नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी का मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां इस विवादित बयान पर लोग भड़के हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अड़े हुए हैं। यही कारण है कि इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। बीजेपी लगातार इस बात को लेकर सपा पर निशाना साध रही है, तो वहीं अखिलेश यादव इस मुद्दे को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच अब अखिलेश यादव को उनके ही परिवार से जवाब मिला है, जहां उनके भाई की पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने रामचरितमानस विवाद पर सपा को कड़ा जवाब दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताया था, जिसके बाद उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई गई थी। अब अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अच्छे से जवाब दिया है। अपर्णा यादव ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो प्रकृति में विश्वास करते हैं, तो भी मैं कहूंगी कि वे सनातन के ही हो गए हैं। सनातन में हर चीज की जगह है। दूसरी बात है कि रामचरितमानस का पूरा अध्ययन करें। मैं पटेल को भी कहूंगी कि वो भी इस बात का अध्ययन करें, क्योंकि रामचरितमानस का जो भी कोई अपमान करता है, वो पूरे मानस का अपमान कर रहा है। उसमें ना ही किसी प्रकार का जाति भेद है और ना ही लिंग भेद है। तो यहाँ अपर्णा यादव ने अपनी बात को रखते हुए सपा को जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है। वही अपर्णा यादव ने आगे कहा, मैं बहुत बड़ी बात आपसे ये कहूंगी कि उसमें एक दोहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उनकी धारणा ही सबको सब कुछ बता दे रही है। उनका बयान सब कुछ बता दे रहा है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, वो उसके बात करने से खुद पता चलता है। तो वो अपनी बात खुद बता रहे हैं। किसी भी राजनेता का ये काम होता है कि किसी भी समाज को सही दिशा में ले जाए। तो यहाँ अपर्णा यादव ने रामचरितमानस का ही दोहा उठाकर स्वामी प्रसाद मौर्य को करारा जवाब दिया है और उनकी भारी बेइज्जती कर दी है। वही उन्होंने ये भी कहा, इस प्रकार के बयान देने से सभी नेताओं को, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, मेरी तरफ से एक सुझाव है, इस ग्रंथ का अध्ययन करें। हम सेकुलर देश है, संविधान में हमारे यहाँ सभी धर्मों के बहुत इज्जत है, हमें हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। वही अखिलेश यादव द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ से शूद्र पर सवाल पूछने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अपर्णा यादव ने कहा, वो सदन में इस बात को उठाए तो हमारे महाराज जी सदन में ही जवाब दे देंगे। फिलहाल बात की जाए इस मुद्दे के बारे में, तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए कहा था कि कई करोड़ लोग इसे नहीं पढ़ते, जिसके बाद से एक नया विवाद खड़ा हो गया। वही जब इस बारे में अखिलेश यादव से सवाल हुआ, तो पहले तो उन्होंने इस बात को घुमाने की कोशिश की, उसके बाद उल्टा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पद दे दिया, जिसने माहौल को और गर्मा दिया था। तो फिलहाल अब अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है अपने बयान के सहारे। अपर्णा यादव के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।